पूरी मानवता के लिए, पूरी मानवता के लिए भलाई का रास्ता दिखाने वाले, यहाँ की धरती को पवित्र करने वाले गुरु घासीदास जी की स्मृति से जुड़े इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री पुन्नूलाल मोहली जी, मंच पर उपस्थित सांसद, विधायक, मंत्रीगण, सभी गणमान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आज गिरौदपुरी माँ आए सबो भाई बहनी मंदा जय जोहार। गुरु घासीदास जी के उपदेशों ने सतनामी समाज के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ को समाज सुधार की दिशा में आगे बढ़ाया और छत्तीसगढ़ को एक पहचान दी। उनकी जन्मभूमि, तपोभूमि और कर्मभूमि होने के नाते ये स्थान एक तीर्थ स्थल है। यहाँ आने वाले धन्य हैं कि उन्हें ऐसे संत की महानता तथा उसके सामाजिक दर्शन को समझने का एक मौका मिलता है। हर कोई जाना चाहता तीर्थ स्थल। ये एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो पाखंड से ऊपर है, कर्मकांड से ऊपर है। यह हमारे देश का सौभाग्य है कि समाज में जब जब निराशा बढ़ी है, तब तब गुरु घासीदास जी जैसे संतों ने समाज को नई आशा और नई दिशा दी। गीता में भी भगवान कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश देते हैं तो इसी बात को दोहराते हैं और वो कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं तदात्मनं संभवामि योगे योगे। अर्थात हर युग में ये क्रम जो चल रहा है, संतों का प्रकट होना, यहाँ आना, इस धरती पर जिसको हम मृत्यु लोग कहते हैं, और यहाँ पर लोगों को संदेश देना, नेक रास्ता बताना, ये सदियों से परंपरा चली आ रही है। और उसी परंपरा में मैं गुरु घासीदास जी को भी मानता हूँ। गुरु घासीदास जी ने आज से लगभग 200 साल पहले यहाँ के बिखरे हुए समाज को सुधारने का महान कार्य किया। उन्होंने गरीबों, विशेषकर दलितों के हित में तथा सभी सामाजिक बुराइयों और अन्याय के खिलाफ एक संघर्ष छेड़ा। उन्होंने जो काम किया वो जन जागरण की शानदार मिसाल है। गुरु घासीदास जी ने समझाया था कि सत्य ही ईश्वर का दूसरा नाम है, सत्य आचरण ही धर्म है। गुरु जी को तो ज्ञान मिल ही गया था और वो चाहते तो शायद उनको किसी अन्य चीज की जरूरत नहीं थी। ज्ञान मिला, मोक्ष मिला, मुक्ति मिली, सब कुछ मिला, लेकिन उनको लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने अपने एकांतवास छोड़कर समाज के शोषित वर्ग के कल्याण के लिए काम करना शुरू किया। उनका प्रभाव बढ़ता गया। आज छत्तीसगढ़ में उनके लाखों अनुयायी, सभी धर्मों के लोग गुरु घासीदास जी के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं। गुरु घासीदास जी ने लोगों में ऊंच नीच और छुआछूत की भावना को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने भाईचारा और समरसता का संदेश दिया, निजी जीवन में नैतिकता बरतने की शिक्षा दी, खान पान की सादगी पर जोर दिया, नुकसानदेह धार्मिक रूढ़ियों पर उन्होंने प्रहार किया जो कि एक आधुनिक समाज के निर्माण के लिए जरूरी था। उन्होंने महिलाओं के सम्मान पर जोर दिया और विधवा विवाह का समर्थन किया। हम सब लोग जानते हैं प्रत्येक वर्ष यहाँ श्रद्धालुओं का जो मेला लगता है वो देखते ही बनता है। वह मेला समानता की भावना को मजबूत बनाने का एक सामूहिक उत्सव होता है। और आज जो मैं देख रहा हूँ
कि बाबा गुरु घासीदास जी के उपदेशों का, उनकी महानता का, और मैं समझता हूँ कि उस महान आत्मा का ही परिणाम है कि इतने सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं, न केवल मेले में। आज मैंने मेला देखा नहीं, लेकिन मैं मेले की कल्पना करता हूँ। आज जो यहाँ पर आप सब लोग एकत्रित हुए हैं, बाबा के नाम पर एकत्रित हुए हैं, बाबा का आकर्षण है, और इसलिए वो बाबा के आकर्षण के कारण मैं भी यहाँ आ गया। मैं भी जब लोगों ने मुझे पूछा कि आप राष्ट्रपति के रूप में जा रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, मैं एक श्रद्धालु के रूप में जा रहा हूँ बाबा के दर्शन करने के। सबसे पहले गुरु घासीदास जी ने गिरौदपुरी में ही एक जोड़ा खैत नाम खैत जैत खाम स्थापित किया था। आज का आधुनिक जैत खाम सतनामी समाज का केंद्र होने के साथ साथ पूरे समाज के लिए शांति, अहिंसा, प्रेम और करुणा का प्रतीक है। मैं इस जैत खाम की ऊंचाई में आज जो मैंने जाकर के देखा, उस जैत खाम को प्रणाम किया, परिक्रमा की, और मुझे लगा कि इस जैत खाम की ऊंचाई में गुरु घासीदास जी के प्रति लोगों के दिल में बसी आस्था की गहराई भी मैं देखता, और वही आस्था है आप सब लोगों में जो आज यहाँ तक आप सबको खींच रहे। इस जैत खाम के वास्तुशिल्प और सुंदरता की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इसका निर्माण कराने के लिए मैं राज्य सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। गुरु घासीदास जी के मंदिर में और जैत खाम का दर्शन करते हुए मैं सोच रहा था कि जिस तरह आप सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने के पहले मैं बिहार का राज्यपाल था, और बिहार जिसके लिए जानी जाती है, कई बातें हैं, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय भी हो सकता है, लेकिन एक बहुत तपोभूमि है जिसको मोक्ष नगरी कहते हैं, गया। वो हिंदुओं के लिए भी पवित्र है और बुद्धिस्टों के लिए, लेकिन जो बोध गया है वो गया से बोध गया हो गया, बोध गया धाम हो गया। तो मैं सोचता था कि जब अभी मैं जैत खाम का दर्शन कर रहा था, तो मुझे लगा कि जिस तरह महात्मा बुद्ध के कारण गया को बोध गया धाम का दर्जा मिल गया, उसी तरह गुरु घासीदास जी के कारण इस छोटे से गिरौद नाम के गांव को गिरौदपुरी धाम का दर्जा प्राप्त हो गया। कुछ वर्षों पहले मुझे इस तीर्थ स्थल पर आने का सौभाग्य मिला था। इस क्षेत्र में जहां गुरु घासीदास जी ने तपस्या की थी, वहां रात्रि विश्राम करने और पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने का सुअवसर भी मिला। मेरे साथ में मुझे याद है जो दो हमारे वर्तमान में डॉक्टर भूषण लाल जांगड़े थे, वो मुझे लाए थे, निर्मल सिंह जी थे वो यहाँ थे, और भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए बहुत सारे कार्यकर्ता थे, वो मुझे यहाँ पर लाए, रात्रि विश्राम किया, रात्रि को भोजन किया, प्रातः उठा और वो स्थल भी देखा कि जहाँ बाबा ने तपस्या की, कितनी कठिनाई के साथ में तपस्या की थी, घोर जंगल। अभी तो सभी कुछ यहाँ पर उपलब्ध हो गया है, लेकिन उस समय की हम केवल कल्पना कर सकते हैं, 200 वर्ष पूर्व की। आज जिस सामुदायिक भवन की आधारशिला रखी गई है, वह भी गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद से एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस निर्माण कार्य के लिए भी मैं राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूँ। बिलासपुर में गुरु घासीदास जी के नाम से जो विश्वविद्यालय, उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ, और संयोग से आप सब लोग, बहुत सारे लोग जो शिक्षित वर्ग है वो जानते होंगे कि जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, राष्ट्रपति उनका या तो चांसलर होता है या विजिटर होता है, और इस नाते मैं समझता हूँ कि शायद मुझे उस विश्वविद्यालय के नाते मुझे छत्तीसगढ़ आने का बार बार सौभाग्य मिलेगा, उसको भी मैं मानता हूँ कि ये बाबा की ही कृपा है। मैं आशा करता हूँ कि इस विश्वविद्यालय के छात्र देश और विदेश में उनके बाबा
के आदर्शों और उपदेशों को अपने आचरण के बल पर प्रसारित करते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी के आदर्शों के अनुसार समानता और एकता पर आधारित समाज के निर्माण का कार्य छत्तीसगढ़ की जनता और सरकार मिलजुल कर आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।